हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में मैं आपको पैडेड ब्लाउज़ बनाना सिखाऊंगी 36 साइज़ का। आज जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी उसमें ब्लाउज़ के ऊपर प्रॉपर फिनिशिंग आएगा और आप किसी भी साइज़ का पैडेड ब्लाउज़ जो है बना पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद पैडेड ब्लाउज़ को लेकर सारे डाउट आपका क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए मैंने 1 मीटर का लाइनिंग यानी कि अस्तर और 1 मीटर का मेन कपड़ा लिया है। और ये कप्स आपको कितने साइज़ का लेनी है, जितनी आपकी ब्लाउज़ की चेस्ट साइज़ है उसी साइज़ पर आपको ये पैड यानी कि कप्स लेनी है। और अगर आपका चेस्ट साइज 35, 37, 39 आता है तो वहाँ पर आप 1 इंच प्लस करके अपना कर्व यानी कि पैड का साइज लीजिए। यानी कि अगर आपका चेस्ट का साइज 35 आ रहा है तो आप 1 इंच प्लस करके 36 कर लीजिए और 36 का पैड लीजिए। मार्केट पर अलग अलग साइज और अलग अलग क्वालिटी का कर्व्स यानी कि पैड आपको मिल जाएगी। और एक चीज़ आपको कटिंग के पहले ही देख लेनी है, अगर आपके मेन कपड़े के अंदर जो है ये पैड ऊपर से दिखाई दे रहा है, ये देखिए इसका जो कलर वाइट कलर है ये ऊपर से कितना दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं। यानी कि मेरा जो मेन कपड़ा है वो थोड़ा सा पतला है तो इसीलिए ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट की जो अस्तर कटिंग करेंगे उसको हमें डबल कटिंग करना होगा। अगर आपका मेन कपड़ा मोटा होता है, ये पैड ऊपर से दिखाई नहीं देता है, तब आप सिंगल अस्तर कटिंग करके ही बना पाएंगे। तो कैसे आप डबल अस्तर कटिंग करके ब्लाउज़ को बनाएंगे वो मैं आज की वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूंगी। तो चलिए ब्लाउज़ की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लाइनिंग को खोलकर फोल्ड करके रख लिया है। इस साइड पर ओपन साइड और मेरी तरफ जॉइंट वाली साइड है, तो इस तरीके से आपको रखनी है। इस ब्लाउज़ की जो हुक होगी वो बैक साइड पर होगी। तो सबसे पहले हम फ्रंट की ही कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन के नीचे की तरफ अब हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको नज़दीक से दिखाऊँगी। तो देखिए, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है इसके नीचे की तरफ जितना लेंथ आप रेडी रखना चाहते हैं उससे 1 इंच बढ़ाकर आपको निशान लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से 1 इंच बढ़ाकर मैं 15 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 36 साइज़ के हिसाब से 14 इंच लेंथ मैं रेडी रखूँगी और 1 इंच बढ़ाकर मैंने 15 इंच पर निशान लगाया और स्ट्रेट लाइन बना लूँगी यहाँ पर। अब ऊपर की लाइन पर शोल्डर और आर्महोल के लिए निशान लगा लेनी है। तो ब्लाउज़ में बोट नेक स्टाइल में बना रही हूँ इसलिए यहाँ पर मैं शोल्डर रख रही हूँ 7.25 इंच यानी कि 7.25 इंच, ये देखिए। तो दोनों निशान यहाँ पर लगानी है और आर्महोल थोड़ा सा बढ़ाकर 7.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो देखिए, बोट नेक ब्लाउज़ को जो है हाईनेक स्टाइल में कटिंग किया जाता है तो इसीलिए शोल्डर और आर्महोल ज़्यादा लिया जाता है ताकि आर्महोल थोड़ा सा लूज़ रहे। तो इस तरह से मैंने दोनों लाइन ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो पैडेड ब्लाउज़ बनाने के लिए आप ब्लाउज़ को प्रिंसेस कट स्टाइल में कटिंग कीजिए। यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर से मैंने एक निशान लगाया और इस लाइन को हाफ करके एक निशान मैंने लगाया। अब यहाँ पर चेस्ट का फोर्थ पार्ट पर निशान लगाइए। 36 चेस्ट है तो उसका फोर्थ पार्ट होगी 9 इंच। यहाँ पर हम 9 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। और इसके बाद हम यहाँ पर 1 या 1.25 इंच एक्स्ट्रा रख लेनी है। 1.25 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ पर कमर है 30 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होगी 7.5 इंच, 1.25 इंच एक्स्ट्रा और 2 इंच एक्स्ट्रा और जो कि ब्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा और मैंने ले लिया है चेस्ट की तरफ से। तो पहला जो लाइन है वो मेरा फिटिंग्स का लाइन है, देखिए ये वाला लाइन। और ये जो एक्स्ट्रा है ये ब्लाउज़ बनाने के बाद इतना एक्स्ट्रा रहेगा। अब जितना एक्स्ट्रा आया है ना नीचे 2 इंच और ऊपर 1 इंच, वो हमने प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ पर हम आर्महोल का गोलाई दे देंगे। यहाँ पर फ्रंट पार्ट कटिंग कर रहे हैं लेकिन आर्महोल में गहराई जो है वो हम कटिंग के टाइम पर नहीं देंगे। अब देखिए, प्रिंसेस कट के लिए हमें नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा और लेना होता है। तो इस तरह से स्केल रखकर मैं 1 इंच बढ़ा ले रही हूँ क्योंकि मेरा स्केल का चौड़ाई 1 इंच है। और शोल्डर डाउन करनी है 1.25 इंच पर। अब देखिए, बोट नेक के लिए चौड़ाई मैं 4 इंच रख रही हूँ, आप चाहे तो 5 इंच भी रख सकते हैं। अब लेंथ यहाँ पर आप अपने हिसाब से रखिए, मैं यहाँ पर जो है 4.5 इंच रख रही हूँ, ठीक है। 4.5 इंच मैंने लेंथ रखी है और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेनी है। तो बोट नेक के लिए 4 इंच या फिर 4.5 इंच लेंथ रखिए और चौड़ाई जो है आप 5 इंच तक रख सकते हैं, मैंने 4 इंच रखी है। अब यहाँ पर जो है फ्रेंच कर्व रखते हुए यहाँ पर मैं बोट नेक का शेप बना लूँगी। इस तरह से मैंने शेप बनाया और यहाँ पर लाइन को नेक की तरफ मिला लेना है, ठीक है। अब हम नीचे की तरफ प्रिंसेस कट के लिए निशान लगाएंगे। तो 36 साइज़ के हिसाब से यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट का चौड़ाई जो विड्थ हम रखेंगे वो मैं 1.25 इंच रख रही हूँ, 3.5 देन क्वार्टर, 1.25 इंच रख रही हूँ और दोनों निशान लगाया।
तो देखिए यहाँ पर बड़ी साइज़ के लिए 4 इंच तक लिया जाता है और छोटी साइज़ के लिए 3 से स्टार्ट होता है, 3.5-4 इंच तक आप ले सकते हैं। तो इसका हिसाब बस इसी तरीके से आप लीजिए। और अब हम ऊपर टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे, तो बहुत ईजी है, जितना आपका चेस्ट साइज़ है उसका 4th पार्ट, देन उसके साथ 1.5 इंच ब्रश कर लीजिए। तो यहाँ पर 36 चेस्ट है तो उसका 4th पार्ट होगी 9 इंच, 9 के साथ 1.5 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10.5 इंच, 9, 10, देन 5 इंच एक्स्ट्रा और, तो 10.5 इंच हो गया। तो इसी तरीके से आप अपना टक्स पॉइंट का हिसाब लगाइए। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है, तो यहाँ पर हम पैड लगा रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा पफ लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने सिर्फ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है साइड से। अब हम इसको यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप देते हुए मिला देंगे और इसके बाद यहाँ पर हम ऊपर से मिला देंगे, जो हमारी शोल्डर और आर्महोल की लाइन मिला है ना, वहाँ पर हम फ्रेंच कर्व को रखते हुए मिलाते हुए टक्स पॉइंट का जो निशान है वहाँ से इस तरह से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, रिसेंटली मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च किया है जहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल्स में डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सिखाई है। तो चलिए कोर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च किया है जिस पर मैंने डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना सिखाया है और ब्लाउज़ बनाने के लिए बहुत सारे टिप्स मैंने इस कोर्स पर शेयर किया है। इसके अलावा स्विंग मशीन के बेसिक नॉलेज भी आपको मिलेगा, मशीन को कैसे यूज़ करनी है और मशीन के कौन कौन से टूल्स आपको अपने पास रखनी चाहिए, वो सब कुछ हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये कोर्स स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, जिन्हें डिज़ाइनर ब्लाउज़ के ऊपर कोई भी नॉलेज नहीं है, स्पेशली उनके लिए ये कोर्स है जहाँ पर मैंने डिज़ाइनर ब्लाउज़ के ऊपर बेसिक से एडवांस तक सिखाया है। तो इस कोर्स को परचेस करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाना है, जहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा और उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कीजिए, जहाँ पर आपको कोर्स के सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर विजिट कीजिए और उसके बाद आपको टेक दिस कोर्स की ऑप्शन मिलेगी, जिस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप अपना इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए, देन ऑनलाइन पेमेंट करके कोर्स को परचेस कर लीजिए, जहाँ पर आपको कोर्स के सारी डिटेल्स मिल जाएगी, प्राइस के डिटेल्स, और मैंने अलग अलग चैप्टर्स बनाई हैं तो चैप्टर्स का भी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप डिज़ाइनर ब्लाउज़ के ऊपर बिल्कुल बिगिनर्स हो तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आर्म होल की साइड पर हमने मिलाया था, इसके बाद यहाँ पर अंदाजे से इस लाइन के दोनों तरफ हमें निशान लगानी है, 1/4 इंच की दूरी पर इस निशान को लगानी है और इस निशान को हमें मिडिल का जो लाइन है उसके साथ मिला लेना है इस तरह से। इसमें जो है विदाउट पैडेड भी अगर आप बना रहे हैं ना प्रिंसेस कट को, तो उसमें पफ बहुत ही अच्छे से क्रिएट होगा। नीचे की लाइन को हमने ऊपर मिला लिया है प्रिंसेस कट में, ये हमें करना होता है। इसके बाद में इसकी कटिंग कर लूँगी। तो अब हम नीचे की लाइन को फोल्ड करेंगे, इसी से मैं बैक पार्ट की कटिंग आपको दिखाऊंगी और साइड में जो है कमर की लाइन पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, उसके बाद हम चेस्ट में जितना है उसके साथ मिला लेंगे 1 इंच कम करके, ठीक है। तो इस तरह से मिला लेंगे, बैक पार्ट में 1 इंच हमें कमर से ज़्यादा लेना होता है ना टक्स पॉइंट की सिलाई लगाने के लिए, तो बस इसीलिए मैंने लिया है और फोल्ड कर लिया है। अब मैं बैक को ओपन रखूँगी, यानी कि बैक साइड पर हुक बनाऊँगी, तो इसलिए बैक पार्ट जो है हमें कपड़े की खुली वाली साइड की तरफ से कटिंग करनी है। तो पहले कपड़े की जो खुली वाली साइड है वहाँ से यहाँ पर 1/2 इंच की मार्जिन रखते हुए एक चौक से निशान लगा लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, तो ये हमारा हुक और आई के लिए सिलाई मार्जिन है, तो इस लाइन के ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे और साइड और नीचे लेंथ में जितना हमने फोल्ड कर लिया था उसे वैसे ही रखनी है और एज इट इज़ निशान को कपड़े के ऊपर उठा लेनी है, ठीक है। फ्रंट पार्ट को इसीलिए मैंने पूरा कटिंग नहीं किया है, प्रिंसेस कट का जो पार्ट है वो हम बैक को इस तरह से मार्किंग करके बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे, देन प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे। इसमें जो है बैक पार्ट को कटिंग करने के लिए फिर से मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसीलिए आप इस तरह से मार्किंग कीजिए, देन बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिए। तो यहाँ पर आर्म होल में भी कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आर्म होल को हमने 1.5 इंच ऊपर से ही कट किया था। प्रिंसेस कट में कटिंग के टाइम पर आर्म होल में गहराई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अगर चाहे आप स्टिचिंग के टाइम पर दे सकते हैं। तो इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग चौक के निशान से ऊपर से जो है कर लेनी है।
तो अब बैक नेक की कटिंग कर लेनी है। तो सामने जो मैंने मार्जिन लिया था आधा इंच का, उसे छोड़कर 4 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और जितना भी लेंथ आप बैक में रखना चाहते हैं उतना लेंथ लीजिए। नीचे से मैं 4 इंच रखूँगी, तो इसलिए मैंने 1 इंच बढ़ाकर 5 इंच पर निशान लगाया। और नीचे भी 4 इंच का चौड़ाई रखनी है। तो ऊपर से टोटल लेंथ मेरा आ रहा है 10 इंच, ऊपर से लेंथ आया है मेरा 10 इंच। तो यहाँ पर मैं इस तरह से एक बॉक्स बना लूँगी और देन फ्रेंच कर्व को रख के यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी। तो बोट नेक आप सामने से बनाइए और पीछे से राउंड शेप बनाइए। ये थोड़ा सा ब्रॉड वाला राउंड शेप बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है पहनने के बाद। तो अब देखिए यहाँ पर हम दोनों नेक की कटिंग कर लेंगे और साथ में दोनों पार्ट को एक साथ में रखते हुए शोल्डर डाउन की जो मार्किंग किया था मैंने फ्रंट पर, उसको हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद दोनों नेक वाली जो मार्किंग हमने किया था उसके ऊपर से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर जो बैक साइड है उसे मैं ओरेप पट्टी से बनाऊंगी, क्योंकि ये राउंड शेप है। इसको आप चाहे तो पेस्टिंग से भी बना सकते हैं या फिर ओरेप पट्टी से भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए ये प्रिंसेस कट वाला जो पार्ट है, पहले मैंने सेंटर वाली लाइन को कट किया, देन जो क्वार्टर इंच का मार्जिन लेकर दोनों लाइन बनाई थी ना, उसे भी कटिंग कर लेना है। तो आर्म होल में जहाँ पर प्रिंसेस कट का लाइन गया है वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा कट होगा, तो इसमें जो है आपका पफ बहुत ही अच्छे से बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। नीचे वाली लाइन जो है उस पर भी कटिंग कर लेनी है। देन जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रंट पार्ट को डबल कटिंग करनी है, तो उसके लिए कपड़े की जो जॉइंट वाली साइड है वहाँ से मिलाते हुए ये फ्रंट पार्ट की एक पार्ट मैंने रख लिया, देन प्रिंसेस कट वाला पार्ट को भी रख लेंगे नीचे की साइड पर और देन एज इट इज़ निशान लगाकर कट कर लेंगे। देन स्लीव्स कटिंग करने के लिए कपड़े को हमें 4 फोल्ड करनी है। तो यहाँ पर मेरा जितना कपड़ा है, देखिए ये यहाँ से ओपन है, इसे मैं इस तरह से रखूँगी तो ये 4 फोल्ड हो जाएगी। और अभी मेरा स्लीव्स का कटिंग किया हुआ एक पैटर्न है जिसको मैं अस्तर के ऊपर रखूँगी और कट कर लूँगी। तो अब मैंने मेन कपड़े को ले लिया है जिसको मैंने फोल्ड कर लिया है, और ये जो बॉर्डर है ये मेरा स्लीव्स के ऊपर आएगा। सबसे पहले हम स्लीव्स को ही रखकर कटिंग कर लेंगे, तो इसीलिए बॉर्डर को जो है मैं रखते हुए 4 फोल्ड कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर हम 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर जो है स्लीव्स के जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसको हम रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं कपड़े को थोड़ा सा बचा रही हूँ जिसमें से मैं लटकन वगैरह बना सकती हूँ। तो इस तरह से मैं कपड़े को फोल्ड किया है, जितना लगेगा उतना कपड़ा फोल्ड कीजिए और जितना आपका लाइनिंग है उससे 1/4 इंच या फिर 1/2 इंच बढ़ाकर आप कट कीजिए, जितना आपका मेन कपड़ा है उसके हिसाब से। लेकिन आपको बिल्कुल सेम नहीं कटिंग करना है, थोड़ा सा बढ़ाकर। अब ये ऊपर जितना पार्ट बच गया है इसमें हम फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। देन ये जितना पट बच रहा है इसमें हम डोरी और लटकन वगैरह बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा ब्लाउज़ का कटिंग जो है कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसकी स्टिचिंग आपको दिखाऊंगी। तो पैडेड ब्लाउज़ बनाने के लिए ब्लाउज़ का पैटर्न प्रिंसेस कट में ही रखिए, वो ज़्यादा ईजी होता है। तो देखिए स्लीव्स को मैं बाद में रेडी करूँगी, स्लीव्स के नीचे मैं फ्रिल अटैच करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फ्रंट और बैक साइड है उनके ऊपर अस्तर को रखकर सिलाई लगाकर अस्तर के साथ मेन कपड़े को ज्वाइन कर लेनी है। सिर्फ फ्रंट की जो है अस्तर डबल है, तो उसमें एक पार्ट को अलग रखनी है और एक पार्ट यानी कि एक अस्तर के साथ हमें मेन पार्ट को ज्वाइन कर लेनी है, मेन कपड़े को ज्वाइन करनी है। अस्तर यानी कि लाइनिंग को हमें मेन कपड़े की रॉन्ग साइड के ऊपर रखनी है और चारों साइड पर सिलाई लगा लेनी है। ठीक उसी तरीके से जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है उसकी वहाँ पर भी मेन कपड़े को इस तरह से खोल कर रखनी है, आमने सामने करके रखनी है और इसके ऊपर अस्तर को रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट की दोनों पार्ट अलग अलग तरीके से तैयार करनी होगी पैड लगाने के लिए। और ये जो बैक साइड है इसमें हमारा अलग अलग पार्ट आएगी। तो देखिए इस तरीके से ये जब आप इसको खोलेंगे तो ये अलग अलग आएगी, क्योंकि इसको हमने ओपन वाली साइड से कट किया था ना, तो ये ऐसे ही आएगी। यहाँ पर हम बैक पार्ट में हुक वगैरह लगाएंगे ना, तो इसलिए यहाँ पर इसको हम इस तरीके से रखेंगे आमने सामने करके और चारों साइड पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने चारों साइड पर सिलाई लगा लिया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से, और जितना भी पार्ट एक्स्ट्रा होगा उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। तो आप प्रिंसेस कट वाले पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ जॉइंट कर लेनी है। ये जॉइंट हमें नीचे से ऊपर की तरफ लगानी होती है। तो जिस तरीके से मैं इस पार्ट को बनाऊंगी उसी तरीके से फ्रंट का जो अलग सा पार्ट है, जो अस्तर वाला पार्ट है, उसे भी तैयार करनी है सेम उसी तरीके से। सिर्फ दोनों पार्ट अलग अलग रेडी करनी है।
तो देखिए मैंने अलग अलग जॉइंट कर लिया है, ये मेरा मेन पार्ट है और जो लाइनिंग अस्तर वाली पार्ट है ये वो वाला पार्ट है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट को अलग अलग रेडी करनी है और अब हम इसके ऊपर हम लाइनिंग वाली पार्ट को रखेंगे। और एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि दोनों पार्ट की जो सीधी साइड है, राइट साइड है, वो अंदर की तरफ होगी, एक दूसरे से मिलकर रहेगी, ठीक है, अंदर की साइड होगी। देख सकते हैं कि अस्तर की जो मार्जिन वाली साइड है वो ऊपर की तरफ है। तो बाहर से ही मैं आपको पैड लगाना सिखाऊंगी, बाद में वो फोल्ड होकर अंदर चली जाएगी। और सबसे पहले पैड लगाने से पहले नीचे से एक सीधा सिलाई लगानी है और ऊपर से सीधा सिलाई लगानी है, जिससे नीचे कमर पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पैड लगाने के बाद नीचे सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन ऊपर टक स्पंज के लिए फिर से निशान लगानी है, जो मैंने आपको कटिंग के टाइम पर दिखाई थी, चेस्ट का फोर्थ पार्ट और उसके साथ 1.5 इंच प्लस कर लीजिए। तो देखिए शोल्डर की तरफ से नीचे की तरफ हम 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। मेरा चेस्ट 9 इंच है, उसके साथ मैंने 1.5 इंच प्लस किया तो आया 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पर हमें दोनों तरफ निशान लगानी है। देखिए इस तरफ हो गया तो हम इस तरफ भी सेम निशान जो है लगाएंगे। देखिए यहाँ पर अच्छे से हम निशान को उठा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम मेजरिंग टेप को रखेंगे, 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। दोनों तरफ आपको इस तरीके से चौक के निशान को अच्छे से लगानी है। देखिए पैड को उल्टी साइड पर फोल्ड करनी है, डबल फोल्ड करनी है और उसकी सेंटर मार्किंग करनी है चौक से। इस तरह से मैंने मार्किंग किया, इसके बाद हम पैड को खोल कर फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेनी है और जो सेंटर की मार्किंग बाहर से दिखाई दे रहा है उसके साथ जो मैंने टक्स पॉइंट का निशान लगाया है ब्लाउज़ के ऊपर, उस लाइन को मिलाएंगे। देखिए ये वाला जो मार्किंग है ना, इसके साथ हम पैड के अंदर जो मार्किंग दिखाई दे रहा है उसके साथ मिलाकर रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे, दोनों को एक साथ में मिलाते हुए ऊपर से स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर हाथ सुई से पहले स्टिच कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से मशीन के अंदर बिल्कुल निडल के नीचे की तरफ ले जानी है। और सिलाई आपको कैसे लगानी है, जो पहले से ही जो सिलाई वाली लाइन आपको दिखाई देगा ना, उसी लाइन के ऊपर आपको सिलाई लगा लेनी है। तो पहले हमने प्रिंसेस कट वाली पार्ट को जॉइंट करने के टाइम पर सिलाई लगाई थी ना, उसी लाइन के ऊपर हम फिर से सिलाई लगाएंगे। नीचे पैड जो है वो जॉइंट हो जाएगी। इस तरीके से सिलाई लगानी है, आप देख सकते हैं बहुत ही इजी मेथड मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से अगर आप पैड लगाते हैं तो आपके ब्लाउज़ के ऊपर फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से रहेगी। तो देखिए मैंने सिलाई लगाई है, एक्स्ट्रा धागे को कट कर लिया है। तो इसके बाद आर्म होल और साइड पर जो खुला है वहाँ से मैं ब्लाउज़ को फोल्ड कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पर कमर वाली लाइन पर थोड़ा सा हाथ से प्रेस लगानी है। इस तरह से प्रेस करने से यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग से फोल्ड हो जाएगी। प्रेस लगाने के बाद ऊपर वाली नेक वाली जो लाइन है वहाँ पर भी हाथ से प्रेस लगानी है। बाद में इसके ऊपर आयरन चला लेनी है, प्रॉपर फिनिशिंग आ जाएगी। तो फोल्ड करने के बाद आप देखिए ब्लाउज़ के फ्रंट साइड पर कितनी अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी आपके। और जो ये बैक साइड है, बैक साइड यानी कि पीछे की तरफ से भी आपका फिनिशिंग रहेगा। दोनों ही पैड यानी कि कप्स बहुत ही अच्छे से अटैच होगी ब्लाउज़ के साथ। और दोनों कप्स को लगाने के बाद नेक और कमर वाली लाइन तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको पहले ही रेडी कर लिया है हमने। सिर्फ यहाँ पर साइड को हम सिलाई लगा लेंगे, साइड पर जो खुला हुआ है ना वहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। साइड सिलाई लगाने के टाइम पर नीचे जो लाइनिंग का कपड़ा है उसके साथ मेन पार्ट को बिल्कुल बराबर करके पकड़नी है। कोई भी पार्ट को कम ज़्यादा करके नहीं, दोनों को बस एक दूसरे से मिला के पकड़नी है और सिलाई लगा लेनी है। नीचे नेक पर और साइड पर, चारों साइड पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए इसी तरीके से मैंने रेडी कर लिया है। यहाँ पर आपको लगेगी कि यहाँ पर फ्रंट पार्ट की जो मेन कपड़ा है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप ब्लाउज़ को तैयार करके पहनेंगे ना तो इसमें जो है प्रॉपर फिनिशिंग आ जाएगी और फ्रंट पार्ट बिल्कुल अच्छे से आपके फिटिंग्स भी होगा। बैक साइड पर भी कितने अच्छे से फिनिशिंग आ गई है देख सकते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कॉमेंट पर बताइए, मैं आपको रिप्लाई दूंगी और अपने आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो इसी
तरीके से आप फ्रंट पार्ट को रेडी कीजिए। और ये बैक साइड है, यहाँ पर मैंने हुक भी लगा लिया है, बिल्कुल ब्लाउज को पूरा रेडी कर लिया है। स्लीव्स पर मैंने प्लेट्स लगाई है और ये देखिए इस स्टाइल का मैंने लटकन भी बनाई है। टोटल मैंने 4 हुक लगा लिया है, आई बना लिया है, बैक पार्ट में टक्स लगा लिया है और ये स्लीव्स पर मैंने प्लेट्स लगाई है। देखिए दोनों तरफ अच्छा फिनिशिंग आया है, कमर में भी फिनिशिंग आया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को आज का ये वीडियो कैसा लगा है ज़रूर मुझे कमेंट पर बताइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।